रहा है ना, उसी संदेश में हम लोगों के सारे का सारा संकल्प और सारा हमारा जो विचार है उसी में समाहित है। सर, 2021 और 2022, अब मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की दुगनी आय कर देंगे, अब 2022 आ गया। सर, चुनाव को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, पंचायत चुनाव को लेकर काफी। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ये एक गलत निर्णय था जो आज साबित हो गया, क्योंकि पूर्व से ही जो नियम और कानून थे उनका पालन ना करके उन्होंने अध्यादेश लागू किया, और उस अध्यादेश में जो रोटेशन से महिला आरक्षण होता है, ओबीसी आरक्षण होता है, उसको उन्होंने बलाय ताक रखकर उन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। स्वाभाविक था कि इसमें कोर्ट में जाकर इसको इसकी वैधता को चैलेंज किया जाएगा और उसको वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी हुकूमत शिवराज सिंह जी की आज गांव से लेकर जिले तक जितने भी पंचायत के काम होते हैं उसमें सब पे 20%, 25-30% कमीशन ले रहे हैं, और ये वसूली पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी के माध्यम से उनके लोग करते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग संभाग में, तो वो उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन की पंचायत के सरपंच चुनकर आ जाएंगे। सर, भाजपा के सांसद जनार्दन